तो वोट कास्ट करने के बाद लोगों से मिलते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। शुरुआत उन्होंने वोटिंग को लेकर, गुजरात को लेकर नहीं बल्कि मीडिया साथियों को लेकर कही कि इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पानी आप लोग पीते रहे, अपना ख्याल रखें, क्योंकि काम बहुत हो जाता है इस चुनाव के दौरान भी मीडिया साथियों का। लेकिन साथ ही साथ अपील लोगों से यही की कि वोट कास्ट करें, ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वोट डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद भी तीन अहम राज्य हैं जहां पर जनसभाएं हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को उन्होंने जिक्र किया, और इसलिए कहा कि ज्यादा वक्त यहां पर बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील की वोट कास्ट करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा, क्योंकि हर प्रत्याशी चाहता है कि वो उनके क्षेत्र में आए, उनके लिए वोट की अपील करे, और इसलिए आज तीन राज्य हैं अहम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, और इसलिए वो यहां से रवाना होंगे मीडिया से मुखातिब होते हुए। लेकिन उन्होंने बेहद अहम बातें जरूर कही हैं उनका, क्योंकि तैयारी ऐसी की गई थी कि वो अपने बड़े भाई के घर भी जा सकते, उनके बड़े भाई भी उनके साथ लगातार मौजूद रहे। अभी क्या अपने बड़े भाई के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे या लोगों से अभिवादन स्वीकार करते हुए रवाना हो जाएंगे? भाई गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, और क्योंकि चुनाव के दिनों में पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है, और मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए, जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है, मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है, और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है, अभी और करीब करीब तीन सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा, चार मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं, और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं, मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है, तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात में लोकतंत्रों उत्सव है। आनंद की बात यह कि पहला बे चरण में जो मतदान थे हूँ इलेक्शन कमीशन ने अभिनंदन आपीस, देश सुरक्षा बलों ने अभिनंदन आपीस, चूंटनी व्यवस्था में जोड़ायेला वहीवटी अधिकारी ने अभिनंदन आपीस कि पहला बे चरण में क्या नहीवत हिंसानी घटना ध्यान में आई है। अदरवाइज आपने खबर है कि पहला चूंटनी में हिंसा नो दौर चालतो तो आ वक्त इलेक्शन कमीशन की अनेक व्यवस्थाओ, हूँ इलेक्शन कमीशन एटला माटे अभिनंदन करू छू कि हमने
पूरो इलेक्शन कैम्पेन वोटर फ्रेंडली मैनेजमेंट में एमने ध्यान केन्द्रित करू। इवन आज पर मैं एमनी एक घड़ियाड़ जोई, जे घड़ियाड़ मतदार ने लगातार एलर्ट करे कि तमारू मतदान थयु, अने बधाना मोबाइल पर एक घड़ियाड़ अवेलेबल छे। तो इलेक्शन कमीशने पण टेक्नोलॉजी नो भरपूर उपयोग कर्यो छे। अने हुं तो मीडिया ना मित्रों ने पण कहीश के हम लोगों ने देश में भारत की चुनावी प्रक्रिया कैसी है, चुनावी मैनेजमेंट कैसा है, और दुनिया के लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बड़ा सीखने योग्य एग्जाम्पल है। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी करना चाहिए। आज दुनिया में करीब 64 कंट्रीज में चुनाव है, उन सबका कंपैरिजन करना चाहिए। और ये वर्ष एक प्रकार से लोकतंत्र का उत्सव न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में है। और भारत ने दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो चुनावी व्यवस्था में विकसित की है। और मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन का अधिकारी है। आप सब मीडिया के मित्र तो अब भारत में 900 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं, 5000 से ज्यादा दैनिक अखबार निकलते हैं, और वो तो पूरी तरह चुनाव के रंग में रंग जाते हैं। और इसलिए हर एक का प्रयास, और यही मंथन है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है और देश को भी मजबूत सरकार देता है। तो मैं इसमें योगदान देने वाले एक लोकतंत्र के महायज्ञ में जो भी जितनी आहुति दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर से देशवासियों को यही कहता हूं कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है, बहुत भारी मात्रा में मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।